बेयर ग्रिल्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में डिस्कवरी चैनल पर चलने वाला मैन वर्सेस वाइल्ड शो आ जाता होगा, जो अपनी सर्वाइवल टिप्स की मदद से सुनसान एवं वीराना जंगल में जाकर लोगों को वहां पर जीने की तकनीकें सिखाते हैं। बेयर ग्रिल्स का जन्म 7 जून 1974 को नॉर्थ आयरलैंड के दोनागुड़ी कस्बे में हुआ था। स्कूल खत्म होने के बाद बेयर ग्रिल्स इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते थे ताकि वो हिमालय पर्वत पर चढ़ाई कर सके, लेकिन बाद में स्कूल पूरी होने पर उन्होंने अपने प्रदेश की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। आयरलैंड आर्मी में वो 1997 तक 21 SAS रेजिमेंट में रहे। 1996 में ग्रिल्स के साथ में एक ऐसी घटना घटी जिसके चलते उन्हें आर्मी को छोड़ना पड़ा था। 1996 में जाम्बिया में उनके साथ एक पैराशूटिंग दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 4,900 मीटर ऊंचाई पर जब उन्होंने अपना पैराशूट खोलने की कोशिश की तो पैराशूट पूरी तरह से नहीं खुला था, जिसके चलते वे पूरी तरह से चट्टानों में टकरा गए और गिर पड़े। इसकी वजह से उनके रीढ़ की 3 हड्डियां टूट गई। ग्रिल्स ने बाद में घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उनको पैराशूट को समय पर ही काट देना चाहिए था, जिसकी वजह से वह सही से लैंड कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कि शायद पैराशूट खुल जाएगा और उनकी जान बच जाएगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके सर्जन ने बताया कि इस घटना में अगर थोड़ी सी भी चूक हो सकती थी तो वो पूरी तरह से पैरालाइज हो सकते थे और शायद वो जिंदगी में कभी चल भी नहीं पाते। 12 महीने तक ग्रिल्स को बेड रेस्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें आर्मी भी छोड़नी पड़ी थी। अपने इस बुरे वक्त में अस्पताल से निकलने से पहले उन्होंने सोच लिया था कि उन्होंने जो गलतियां की है वो दूसरे लोगों को नहीं दोहराने देंगे। उन्होंने सोच लिया था कि वे लोगों को सर्वाइवल की टिप्स देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने बचपन के सपने को याद किया और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला बना लिया। पैराशूट दुर्घटना में 3 हड्डियां टूटने के बाद भी उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और घटना के केवल 18 महीने बाद उन्होंने अपने बचपन के सपने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी। केवल 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।